दोस्तों, आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़ी ऐसी ही एक सच्ची घटना दिखाने वाले हैं, जिसे देख नास्तिक का भी महादेव के प्रति श्रद्धा और भावना दोनों ही बढ़ जाएंगी। हर कोई इसे देख महादेव की भक्ति में खो जाएगा। भगवान शिव अपने भक्तों की जरा सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं, ये सब हम जानते हैं। इसलिए दोस्तों, महादेव के जितने भी भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, जो समय की चाल है, भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को, वो महाकाल है। महादेव शिव की लीला अपरंपार है। दोस्तों, कहते हैं महादेव शिव की इस सच्ची घटना को सुनने और देखने वाले की हर मुराद, हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हुई तो कहना, क्योंकि दोस्तों ये सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में धरती पर कई देवताओं ने अवतार लिया, जिसमें से कई ने सांप के रूप में भी जन्म लिया। हमारे ग्रंथों में भी इच्छाधारी नाग नागिन की कई सारी कहानियां मौजूद हैं। साथ ही इसके अलावा फिल्में और सीरियल में भी नाग नागिन की कहानियां दिखाई जाती हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाले योगेश की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा है। योगेश महादेव शिव के परम भक्त हैं और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका हर रोज का नियम है कि सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर रोज एक घंटे वहां बैठकर महामृत्युंजय का जाप करना। महादेव शिव की भी कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा ही थी। इस कारण 6 साल पहले ही योगेश एक सुंदर बालक के पिता बने। योगेश की तरह ही उनका बच्चा भी महादेव की भक्ति में रुचि लेने लगा। एक दिन की बात है, योगेश का बेटा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वो दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वो बच्चे जा पहुंचे थे, वहां गांव के लोग जाने से डरते थे, क्योंकि दोस्तों उस जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकौड़ों का खतरा था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता, वो तो खेलते खेलते उस घने जंगल में जा पहुंचे। योगेश का बेटा उस जंगल में पहुंच खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो पेड़ के नीचे गिर जाता है। जब अन्य साथी उसकी मदद के लिए आए तो दोस्तों उन बच्चों ने देखा कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयंकर जहरीला सांप बैठा था, जिसने योगेश के बेटे को डस लिया था। सभी बच्चों ने मिलकर योगेश के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भाग गए। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देखकर योगेश की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि दोस्तों वो उसका एक लौता बालक था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने की वजह से नीला पड़ चुका था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो बच नहीं पाएगा। उस समय गांव में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। योगेश ने उन दोनों व्यक्तियों को बुला लिया। एक एक करके दोनों वैद्य ने योगेश के बेटे को देखा। उसकी नाभि पकड़ते ही दोनों ही समझ चुके थे कि बालक के प्राण अब जा चुके हैं। उन्होंने योगेश को कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। योगेश और उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो दोनों की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दोस्तों अभी भी योगेश को महादेव पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को हाथ में लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। योगेश ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोले कि महादेव, तुम तो जानते हो, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के ही इस बच्चे में प्राण बसते हैं। यही हमारी पूरी दुनिया है। इसके बिना कोई भी दुनिया का सुख हमारे लिए फीका है। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है या मुझसे कोई गलती हो गई है? प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं अपने प्राण इसी मंदिर में त्याग दूंगा। और फिर योगेश जोर जोर से रोते हुए महामृत्युंजय का जाप करने लगा। अभी लगभग कुछ समय ही बीता होगा कि तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां उस हवाओं की वजह से जोर जोर से बजने लगी। तभी मंत्रों का जाप कर रहे योगेश के कानों में एक हल्की सी आवाज आती है, पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वो तो सो रहा था, तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही योगेश ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु दोस्तों आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा, जो कि गहरी आवाज ही ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। योगेश के बेटे ने उठते ही कहा, पापा, हम मंदिर कब पहुंचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल घूमने गया था ना। अपने बेटे को जिंदा देख योगेश की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी छाती से अपने बेटे को लगा लिया।
दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देते। देर से ही सही, पर अपने भक्तों की नैया पार जरूर लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।